साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड क्षेत्र के अंबाडिया पंचायत के जनसेवक सह परिवारी पंचायत सचिव विनोद कुमार मंडल ने गुरुवार की शाम को जिरवाबाड़ी थाने में आवेदन देकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है। बताया कि अंबाडिया पंचायत में गुरुवार को मुखिया और ग्रामीणों की उपस्थिति में साप्ताहिक बैठक की जा रही थी। इस दौरान अंबाडिया कादिर नगर निवासी नईम अंसारी और उप मुखिया रोशन बीबी ने बैठक को भंग करते हुए उन्हें और मुखिया बासमती मौसमात को जाति सूचक गाली गलौज करने लगे और सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाते हुए कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट भी किया गया। बताया कि इसकी सूचना वीडियो को भी दे चुके हैं और उचित कार्रवाई को लेकर जिरवाबाड़ी थाने में आवेदन दिया गया है। बाडिया में साप्ताहिक बैठक का पंचायत भवन में जिसमें नई योजना से कार्यक्रम से कुछ आवेदन जमा हुए, इसी बीच में आवेदन की रिसीविंग लेखे थे, इसी बीच में हमको मार दिया, मुँह में मारा, बहुत कौन मारा, मोहन अंसारी नहीं मिलता और उसका परिवार भगना और दमाद वो नमी मम्मी से मारा है। क्यों मारा, किस लिए? अपना मनमाना ढंग से वो काम करवाना चाहता, हर चीज़ के लिए बैठक जो हो रही थी किस मामले को लेकर हुई थी? बैठक होता है हर सप्ताह में, किसी योजना से संबंधित कार्य के लिए सबको बैठक होता है, अपना पेंशन राशन हर प्रकार का जो वहाँ पे लाभुक सब उपस्थित हो, वहाँ पर था आवास से संबंधित कुछ जो फॉर्म भी दिया जा रहा वो भी लिया जा रहा था और मैया योजना का भी जिसका मैंने रिजेक्ट हुआ तो वो भी फॉर्म दिया जाए ताकि आगे उसका परीक्षा का उसको ना पैसा दिया जा सके। उसी बीच में कुछ हुआ, उसी बीच में अचानक लिखते थे मुंह में मारा है, माथा में मारा है पूरा, देखिए आपके यहाँ यहाँ पे मारा है, अगर ब्लड मांग से निकला था। मांग क्या है आप लोगों का? मांग इस पर न्याय किया जाए, कार्रवाई किया जाए, इस तरह हम लोग सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करें तो हम लोग विकास काम कैसे करेंगे। अभी कहाँ आए हुए थे? हम आए थे जिरवाबाड़ी थाने में यहाँ न्याय के लिए। इधर उक्त मामले में उप मुखिया रोशन बीबी द्वारा भी जिरवाबाड़ी थाने में गाली गलौज करने और झूठा केस में फंसाने को लेकर आवेदन दिया गया है। वहीं रोशन बीबी ने बताया कि अंबाडिया पंचायत भवन में दर्जनों ग्रामीणों ने मैया योजना का लाभ उठाने को लेकर अपना आवेदन जमा करने पहुंचे थे, जिस पर हमारे द्वारा ग्रामीणों की पहचान करते हुए दर्जनों आवेदन पर साइन मोहर किया गया, परंतु सभी आवेदनों को प्रभारी पंचायत सचिव विनोद कुमार मंडल के द्वारा उठाकर जमीन पर फेंक दिया गया। इसका विरोध करने पर पंचायत सचिव के द्वारा गाली गलौज करते हुए एक भी आवेदन की स्वीकृति नहीं करने को लेकर धमकी देते हुए गाली गलौज करने लगे और झूठा केस में फंसाने की धमकी देने लगे। रोशन बीबी ने कहा कि मेरे ऊपर और मेरे पति नईम अंसारी के ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है पूरी तरह बेबुनियाद है, पुलिस प्रशासन मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करे। ये है पंचायत अम्मा दिया, उसके बाद हम यहाँ से गए, उसके बाद हम मैया योजना वाला फॉर्म भर रहे थे, उसके बाद यहाँ से ढेल डब्ल्यू आया तो बोल रहा था कि ये तुम क्या काम कर रही, ये तुम्हारा काम नहीं है, से ये मुखिया का है, बस मेरे साथ बेतमीजी करने लगा। उसके बाद हम अकेले थे, उसके बाद हम फिर अपने पति को फोन किए, उसके बाद ये आया, उसके बाद आने के बाद फिर बहुत मामला गड़बड़ होने लगा, उसके बाद बोला क्या कि जो करना करिए हमको उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये है कि बहुत त्रस होने लगा, हल्ला गुल्ला बहुत था, चारों फेका फेकी करने लगा। कौन कर रहा था? ढेल डब्लू था। क्या नाम उसका? कुमार। क्या नाम है? विनोद कुमार। उसके बाद तब बाद में मुखिया को फोन किया, मुखिया आया वो भी हफ्ता वही करने लगा, बोला कहा कि ये तुम क्या कर रही, ये तुम्हारा काम नहीं है, जो करना करो जा करके। तो बोला हम बोले कहा कि मेरा जब हमारा उप मुखिया है मेरा पावर नहीं है क्या? तो बोला ना तुम्हारा पावर कुछ नहीं, जहाँ तुमको जो करना करो जा करके, हमको इससे कोई मतलब नहीं, बस इतना बात बोलना। उसके बाद फिर अब ये धमकी देने लगा वो मुखिया और ये भेल डब्लू, और उसके बाद बोला हम उल्टा केस में आपको फंसा देंगे। हम मैं बोला कि उल्टा केस में क्यों फंसा, हम तो योजना वाला भर रहे हैं, हमारा जो काम हम तो करेंगे। बोला तुम्हारा काम कुछ नहीं है, ये काम मुखिया का, मुखिया करेगा, तो मेरा पावर नहीं है क्या? बोला नहीं तुम्हारा पावर नहीं है, मैं सतने तक वह करके
नहीं, मंसारी है, मेरी पत्नी उप मुखिया है अमाडी पंचायत भवन के। मेरी वाइफ 10:30 बजे पंचायत भवन गई थी मेरे छोटा लड़का के संग। वो मैया योजना का कुछ कार्य कर रहे थे, कहीं साइन मोहर का जरूरत होता है वो दे रही थी। तो थोड़ा देर में देखा कि VLW आए हैं, वहां पर मुखिया भी नहीं थी। और VLW जब आए तो मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करने लगे, तो मेरी पत्नी खबर की। खबर करने के बाद मैं जब पहुंचा वहां तो मेरे साथ भी विनोद कुमार VLW हैं यहाँ के, और पंचायत सचिव का भी प्रभार है। वो बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुमको भी केस में फंसा देंगे। हम लोग ST में हैं, हम लोग जो करना है हम इस पंचायत में करेंगे, तुम लोग को कोई इससे मतलब नहीं है। हम लोग के साथ भी गाली गलौज किया और हम लोग को धक्का धुक्की किया पंचायत भवन से, हम लोग को मैंने धक्का दे करके भगवा दिया। उसके साथ अन्य लोग भी थे जो हम लोग उसको देखने से पहचान लेंगे, नाम नहीं जानते। हम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।